हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टेट के लास्ट पार्ट के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो 99 और उससे पहले 99, 98, 88 तक करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो आप मतलब मेरे हिसाब से जो बच्चा नीट का तैयारी कर रहा है वो इसको कर लेगा यार। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस मतलब क्या, इफेक्टिव मतलब क्या। ये बहुत सारे जो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं इन सबको मैं एक कर दूं, सिंगल कर दूं, जोड़ दूं, पांचों को जोड़ के एक करूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब देखो, अगर ये यहाँ ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, अगर मैं इसको प्लस प्लेट से कनेक्ट करता हूं और इसको मैं माइनस प्लेट से कनेक्ट करता हूं, तो ये वाली जो प्लेट है इसको तो प्लस मिलेगी और ये यहाँ पर इसको भी प्लस मिल गया, दो को प्लस मिल गया। और ये माइनस है तो ये इसको माइनस मिल गया और इसको भी माइनस मिल गया, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला और ये वाला इस पॉइंट से पैरेलल में कनेक्टेड है प्लस प्लस से, और ये वाला और ये वाला इस पॉइंट से भी पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब ये हुआ। और उनके बीच ये कनेक्टेड है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को अगर एक पॉइंट से, एक देखो एक पॉइंट से ये प्लस वाला कनेक्टेड है, ये एक पॉइंट से इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। तो एक पॉइंट से यहाँ पे समझने की कोशिश करना, एक पॉइंट से ये अभी मैंने आपको माइनस, इसको मैं माइनस दिया और इसको मैं प्लस दिया, तो ये जो प्लस है इसको प्लस मिला, इसको माइनस मिला, इसको माइनस मिला, और इनके बीच सी, ये जो पॉइंट है वो सी है और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये पॉइंट बी है। तो सी और बी के बीच एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है, दैट अरेंजमेंट इज बेसिकली, ये जो पॉइंट है वो एक्चुअली बी है, ये सी है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्पेशल केस है बैलेंस, हमेशा बैलेंस नहीं होता यार। जब ये अगर ये सी वन है और ये सी टू है, यहाँ दिया हुआ है, और ये सी थ्री है और ये सी फोर है, हाँ सी फोर यहाँ है तो इसका, और ये सी फाइव बीच में है। तो अब देखो, इफ सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू सी थ्री सी फोर के इक्वल है, ये जो साइडों में लगे हुए हैं इनकी वैल्यू और इनमें इसकी रेशियो सी वन बाई सी टू और सी थ्री के इक्वल है, तो ये एक स्पेशल केस होता है और उस स्पेशल केस को हम बैलेंस ब्रिज बोलते हैं। उस केस में पोटेंशियल ऑफ बी और पोटेंशियल ऑफ सी इक्वल होता है, मतलब पोटेंशियल ऑफ बी और पोटेंशियल ऑफ सी इक्वल होता है तो कोई करंट या कोई चार्ज इसमें फ्लो नहीं होगा। तो ये हमारा बेकार हो गया क्योंकि अभी इक्वल ही है, 6 डिवाइडेड बाई 6 एंड 6 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 और 6 अपॉन 6 दैट इज 1 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो इक्वल है। तो ये एक स्पेशल केस है जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज। तो अब बैलेंस ब्रिज जब होता है तो बीच वाला बेकार हो गया। अब बैलेंस ब्रिज का मतलब जब सारे इक्वल होते हैं तो कैपेसिटेंस एक्स वाई में एक के इक्वल होता है 6 माइक्रो फैरेड, दैट इज डी ऑप्शन सही है। नहीं समझ में आया फिर से एक बार कर लो, ये चला गया बेकार। ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में है तो कैपेसिटी सीरीज में कितनी हो गई, 6 और 6 की सीरीज में सी वन मान लो हो गया तो 1 अपन 6 प्लस 1 अपन 6 आया समझ में, मतलब 1 बाई 3, मतलब सी वन की वैल्यू आ जाएगी 3 ऊपर वाले दोनों का, और इन दोनों का सम भी मान लो सी टू हो गया वो भी 3 आ जाएगा दोनों, और 3 और 3 आपस में किस में है पैरेलल में, इसका और इसका कनेक्शन किस में है पैरेलल में, आया समझ में। फाइनली जो सर्किट है ऐसे, इन दोनों को सी वन और ये इसको भी मैंने सी वन बोल दिया क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, ये 3 का 3 का पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट 3 प्लस 3 पैरेलल में, दैट इज द 6 माइक्रो फैरेड, बराबर है। अरे यार याद रखो, जब कभी भी ब्रिज बैलेंस होता है और हर एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू या कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्वल होती है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी एक के इक्वल होता है। अगर ये आर है तो रेजिस्टेंस आर होगा, ये सी है तो कैपेसिटेंस सी होगा। तो ये अगर आपको ऐसे नहीं बुझा रहा है तो आप जो ब्रिज पढ़ के आए हो वो कुछ इस टाइप के फॉर्म में होता है। देखो ये सब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये जो ब्रिज है कुछ ऐसा आप देखे होंगे, इसका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है
ये अपना व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये यही फॉर्म है। यहाँ से पकड़ के खींचो, देखो अगर यहाँ से आप सी पॉइंट को पकड़ो, सी पॉइंट को यहाँ से पकड़ो इधर पुल करो, और बी पॉइंट को यहाँ से पकड़ो इधर पुल करो, इसको खींचोगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, ऐसे समझ में, और वो हमें इसी फॉर्मेट में दिखाई देगा। ये बीच में आ जाएगा और ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये उठ के इधर, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये पहले से इससे कनेक्टेड है, और ये बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको पकड़ के खींच दोगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, बराबर है। तो बैलेंस बीच में 6 माइक्रोफेरेड है। नेक्स्ट कहता है एयर इज रिप्लेस बाय डाइलेक्ट्रिक।